इस देश के अंदर दावा किसने छोड़ा? हमेशा तो दावा छोड़ते हैं। आज कानूनी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम मान लेंगे। आप कहिए ना क्लियर, हां मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमने माना, मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दावा, सुप्रीम कोर्ट सीधा कहा है, हां या ना मैं आपने माना, हां या ना मैं माना भाई, आपने नहीं माना, हां या ना आपने नहीं माना, यानी आप बोलिए बोलिए सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का नहीं चलेगा, ठीक था, बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए, हमने बात सुन ली यार, हमने एक मस्जिद खोई है, आपने एक भारी खोने दे क्या तरीका है ये? देखा, ये है हकीकत। नहीं बैठिए, देखा सच्चाई वाली सामने, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। शोएब जमाई, अगर आपको ये करना है तुरंत चले जाइए, आप तुरंत स्टूडियो छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, मुझे नारा तकबीर के नारे लगाने स्टूडियो में आकर के, हर हर महादेव के नारे लगाते, किसने लगाया, कहाँ लगाया, अभी किसने लगाया? एक सेकंड सर, प्लीज, मेरा शो है, मेरा शो है, मेरा चैनल है, मेरे मेहमान है, प्लीज बात करने दीजिए। एक बार आपने जो भी किया है आइंदा प्लीज मत कीजिएगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि आप चले जाएं, अभी मैं चला जाऊंगा। ये आपने जो किया है बहुत गलत किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडियो में आकर के धार्मिक नारे लगा रहे हैं, बाहर होते हैं आप ऐसे हरकत करने वाले, मस्जिद के छोड़ दीजिए, हर जगह छोड़ दीजिए आप उस बात को। सुप्रीम कोर्ट किस लिए? नहीं नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, उसके बाद से नारे लगाएंगे, नहीं चलेगा। आप तो पलट गए, ये बीच में इस तरीके के लोग आग लगाने का काम करते हैं। अरे तो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देना बंद कीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए करते हैं? छल कपट से कुछ आप जो सुप्रीम कोर्ट कह दे तो छल कपट है, सीधा कहा सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मानेंगे तो नारा सुप्रीम लगाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बैठ जाइए, आप सुनिए, सुनिए जरा, सुनिए जरा, अरे भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुनिए, खुद नहीं रहना चाहता, नहीं नहीं नहीं, अरे आप जाए, बिल्कुल जाए, जो बिल्कुल जाए, ऑन रिकॉर्ड शोएब जुमई को हमने कहा कि शो छोड़ दे, बड़ी अच्छी बात है। कोई रिलीजियस नारा इस प्रोग्राम में नहीं अलाउड है, किसी प्रोग्राम में अलाउड नहीं है। शोएब जुमई जी, जाते जाते भी आप फिर सुन लीजिए, जो आपने किया है आइंदा मत कीजिएगा, और आपका मन ना करे तो नहीं आइएगा। यहां आकर के सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देंगे, फिर कहते हैं एक इंच नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बोलते हैं फिर? क्या मतलब है आपका, आपके सुप्रीम कोर्ट में आस्था का क्या है, क्या क्या एतबार है? आपने बोला क्या? आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, कोर्ट के बिना जजमेंट के, हाँ, वहाँ चीफ मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री, सवाल पूछा, सवाल पूछा कि नहीं पूछा, तो जवाब दिया आपने? अरे भाई मुझे देना है जवाब, क्यों उनको देना है? आपने धार्मिक, धार्मिक नारा क्यों लगाया? आपने धार्मिक नारा क्यों लगाया? धार्मिक नारा किस बात पे लगाया आपने? बैठे हुए लोगों को, बैठे हुए लोगों को भड़का रहे, आप भड़का रहे उनको, बिल्कुल भड़काया आपने। आपने कहा, आपने कहा, सुनिए मेरी बात, आपने पहले कहा, इधर आइए, केवल कैमरे के ला रहा हूँ, इधर आपने पहले कहा, अरे नहीं रखते संविधान पे, संविधान पे, संविधान, अरे छोड़िए जमाई साहब, बायसनेस, बायसनेस की बात कर रहे हैं ये, एक सेकंड, मैं इसका, ये भी चाहे तो कोई आदमी, कोई व्यक्ति इसको यूट्यूब पे देख ले, ये हुआ, मैं रिपीट करके बता रहा हूं क्या हुआ। इन्होंने कहा, बड़े तैश में खड़े होकर के आपने कहा, एक बाबरी खोई है दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, और सुनिए मैं पूरी बात बता रहा हूं, एक बाबरी खोई है दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे, एक इंच नहीं देंगे, और उसके बाद आपने नारा तकबीर के नारे बुलंद किए, बिल्कुल, क्यों किए? क्योंकि कल जैसे ही यहां से कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था, सब कहे बाबा मिल गए, उसमें आपने एतराज उठाया, वो मेरा स्टूडियो नहीं है, वो सड़क है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हमारा स्टूडियो है, इंडिया टीवी का स्टूडियो, आपने धार्मिक नारा क्यों लगाया? अपनी आस्था स्थापित कर दी, अपनी आस्था आप अपने पास रखिए, अपनी आस्था, आपको आपको मुबारक हो, भाई साहब ऐसे ही चलेगा, संविधान का रूल ऐसे ही चलता है, आस्था का मतलब सबकी आस्था है, यहाँ से कौन सा मस्जिद है, यहाँ से कौन सा हर, यहाँ से कौन सा हर महादेव का जय श्री राम का नारा लगा, लगवाइए ना, अरे हम क्यों लगवाएं, लगवाइए, हम चाहते हैं ना आप लगाएं ना ये लगाएं, शो ऑन करिए, आप शो ऑन तो करिए, आप अपनी अपनी